बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर के चिड़ियाघर में बब्बर शेर का कुनबा और बड़ा हो गया है। बब्बर शेर जय और परी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। पहले यहां शेरों की संख्या 5 थी, जो अब बढ़कर 8 हो जाएगी। यह सौगात पाकर चिड़ियाघर प्रशासन काफी खुश नजर आ रहा है। ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान में खुशी का माहौल है। चिड़ियाघर में मौजूद शेरनी परी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। अब 3 नए मेहमान आने के बाद चिड़ियाघर में बब्बर शेरों की संख्या 8 हो चुकी है। अब इन नन्हे शावकों को 15 से 25 दिन तक खास निगरानी में रखा जाएगा। खास बात यह है कि जन्म लेने के बाद ये नन्हे शावक एक दूसरे से मस्ती करते हुए नजर आए। वहीं आक्रामक मुद्रा में बैठी शेरनी परी शावकों के पास किसी को नहीं आने दे रही है। यहां तक कि फोटो खींचने पर भी बेहद गुस्से में आकर दहाड़ने लगती है। बताया जा रहा है कि 2012 में चिड़ियाघर में बब्बर शेर जय और शेरनी परी को लाया गया था। बब्बर शेर जय को नंदन वन जू रायपुर से और शेरनी परी को बिलासपुर के कानन पिंडारी जू से लाया गया था। खास बात यह है कि शेरनी परी ने 3 साल में दूसरी बार 3 शावकों को जन्म दिया है। वन्य जीव प्राणी विशेषज्ञ गौरव परिहार का कहना है कि शावकों को आइसोलेशन में रखा गया है। शेरनी परी को खाने के लिए चिकन सूप, उबले अंडे दिए जा रहे हैं, तो वहीं नन्हे शावकों के पास जाने में 15 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी शेरनी आक्रामक है। इसके बाद ही शावकों की नर और मादा होने का पता चल सकेगा। ये लॉयन के कब्स हैं, जो है अफ्रीकन लॉयन हमारे यहाँ है। उसमें एक पेयर है, एक परी फीमेल है और जय मेल है। उन्होंने अभी पिछले साल जो है कोविड टाइम में 2020 में भी बच्चे हुए थे, उसमें 2 मेल थे और 1 फीमेल थी। इस बार भी जो है अभी परसों 30 तारीख की मध्यरात्रि में बच्चे हुए हैं और 3 बच्चे हैं, तीनों शावक जो है स्वस्थ हैं। और अभी सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सके क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं। अगर उससे नहीं तो फीमेल स्ट्रेस आउट होगी और बच्चों को दूध पिलाना छोड़ सकती है। तो इस प्रकार से कुल देखा जाए तो हमारे यहाँ गांधी प्राणी उद्यान में 8 लॉयन हो चुके हैं। इससे पहले साल 2020 में बब्बर शेर जय और शेरनी परी ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें 2 नर शावक और 1 मादा शावक था। बाद में इनका नाम इंतजार, अर्जुन और तमन्ना रखा गया था। फीमेल अपने तीनों बच्चों को जो है मिल्किंग करा रही है, फीडिंग करा रही है, और हमारे जो एनिमल कीपर हैं वो प्रॉपर उसको वॉच कर रहे हैं कि कितना टाइम बच्चा दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है दूध, या फीमेल को खाने में क्या देना है। फीमेल की थोड़ी डाइट भी चेंज कर दी, उसमें एग, मिल्क, बीफ और मटन, ये सारी की सारी फीमेल प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा मिल्क आए, दूध आए, बच्चों को खिलाए। फिर 2 साल बाद शेरनी परी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। चिड़ियाघर में काफी खुशी की लहर है। अब इन तीनों नन्हे शावकों के नामकरण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। रायपुर और बिलासपुर से आए थे और इसके साथ ही साथ जब ये आए थे तो यहाँ उतनी संख्या नहीं थी और अब ये संख्या बढ़कर 8 हो गई है। फिलहाल तो केयर का समय है, 2-3 दिन बाद जब इनको बाहर निकाला जाएगा तो देख सकते हैं कि वो तीनों में से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।